ब्रज धाम पहुंची चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुक श्री धाम राधा कुंड में गौर प्रभु के गूंजे जयकारे। राधा कृष्ण की लीला स्थलियों के लिए दर्शन, हरिनाम कीर्तन के बीच राधा श्याम कुंड की परिक्रमा। राधा कुंड में राधा नगर के श्री राधा आनंद वल्लभ प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिवसीय महोत्सव में नवद्वीप धाम से पहुंचे चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रज धाम में महाप्रभु की चरण पादुका के आते ही भक्त भाव विभोर नजर आए। इस मौके पर हरिनाम कीर्तन के बीच राधा श्याम कुंड की परिक्रमा में गौर प्रभु के जयकारे गूंजते रहे। परिक्रमा मार्ग में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी का चरण पादुका एवं भक्तों का स्वागत पीठाधीश्वर महंत केशव दास महाराज ने किया। इसके बाद चरण पादुका की आरती राधा गोविंद मंदिर राधा कालाचांद मंदिर में उतारी। श्री राधा आनंद वल्लभ मंदिर में चरण पादुका की आरती महामंडलेश्वर दास श्याम सुंदर दास बर्मा ने उतारी। इस अवसर पर नवद्वीप स्थित महाप्रभु धामेश्वर मंदिर से आए सुधीर कुमार गोस्वामी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार को प्रेम का संदेश दिया है। इसी प्रेम के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए चरण पादुका ब्रज धाम से दर्शनों के लिए आई है। कलयुग में सनातन धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं, हमें जागृत होकर चैतन्य महाप्रभु के आदर्श व प्रेम को आगे बढ़ाना चाहिए। महामंडलेश्वर श्याम सुंदर दास बर्मा ने बताया कि ब्रज धाम के मुकुट मुनि राधा कुंड धाम में आकर चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की है। यह साक्षात राधा कृष्ण की लीलाएं मिलती है। महाप्रभु ने सबसे बड़ा हरिनाम मंत्र को जाप बताया है। मथुरा से अमित गोस्वामी की रिपोर्ट, कालखंड। राधे राधे। विशेष तो यही है जो आज ब्रज धाम का मुकुट मणि राधा कुंड धाम हमारा गोस्वामी गण ने जो शास्त्र अपना रखे गए उसमें हाय हम लोग अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ब्रज धाम का और ब्रज धाम का नहीं ये सारे जगत संसार में जितना ब्रह्मांड है सबके मुकुटमणि राधा कुंड धाम है। आज राधा कुंड धाम जो मुकुटमणि है आपने जो प्रभु जी का मुझसे सुना ये सारे तो अपना प्रभु जी ने कह के गया। रहा सवाल प्रभु जी का श्री नाम सुधीर कुमार गोस्वामी ये प्रभु जी का जो वंश परंपरा है यही परंपराएं अपना चैतन्य महाप्रभु का पादुका सेवा करता। हम बात करते हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड को लेकर। राधा कुंड और कृष्ण कुंड चरण पादुका के साक्षी भी बताए जाते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ बात करें तो आपकी जो गद्दी है कहीं ना कहीं किन्नर समाज से जुड़ी हुई है जो कि आप उसकी गुरु माँ भी बताई जाती हैं, क्या इसके पीछे की बात कहें तो क्या रहेगा? अच्छा बात है कृष्ण कुंड राधा कुंड और पूरा ब्रजमंडल आपने अभी क्वेश्चन करा बहु को कि लुप्त हो रहे थे वो मुगल शासन में थे हमारा हिंदुस्तान में सनातनी का सारे लुप्त हो रहे थे और कितनों मंदिर टूट के वीरान हो गए। आप लोग आज के तारीख में सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो हमारा अपना जो अपना इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है जो वैरायटी सोशल व्यवस्था है उसमें से सबको जो पता नहीं था पता हो रहा है अंदाज हो रहा है। रहा राधा कुंड और श्याम कुंड चैतन्य महाप्रभु आया जब वेस्ट बंगाल से पूरी धाम से फिर जब आया वृंदावन जब ही निर्धारित किया चैतन्य महाप्रभु ने ये राधा कुंड को प्रकट किया जो मुगल का दबाव में दब गया था और 84 को वृंदावन भी दब गया था तो महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को भेजा था जो 6 गोस्वामी ने इस सारा लीला स्थली को अपना चिन्हित क्रिया प्रकट करा। आज महाप्रभु कलियुग में जो अवतारी वो अवतारी ना होते आज ब्रजधाम आपका जैसा बोल रहे कि अब लुप्त हो रहा है वो दबाव में जा रहे थे तो प्रभु जी का कहा एक कहेंगे सनातनी जागो कि प्रेम भाव में कि मेरा प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा पृथ्वीते जतो आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारिबे यही हरि नाम। आज की तारीख में वर्ल्ड में हरि नाम संकीर्तन प्रचार हो रहा है तो इसको देख के भी जागना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन की हम बात करें तो हरि नाम संकीर्तन हम बंगाल भाषा में बात करें तो किस तरीके से आप जप करते हैं और क्या इसके पीछे का जप के पीछे का महत्व रहता है?
अब हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, ये नाम ब्रह्म और ये गोलोक में गोपन में था हमारा चैतन्य महाप्रभु ने लाके ये खली हाथ जीव को उद्धार करने के लिए सबको प्रचार करा और इस हरिनाम संकीर्तन का कीर्तन भजन जप करने को करने के लिए जो अपना विधान बताया इसके लिए हमारा चैतन्य महाप्रभु का एक परिकार और था जो अपना हरिदास ठाकुर ने इस हरिनाम संकीर्तन को 3 लाख जप करते थे और वो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु का तरफ से उपाधि मिला नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो ये हरिनाम ऐसा ही चीज है कि हमारा जप करने का भी यही हरिनाम है और कीर्तन करने का यही हरिनाम है। हमारा जो भजन है वो भजन का सार जो मंत्र है ये हरिनाम ही है। जय जय श्री नवदीप धाम से गोवर्धन परिधाम में आप आए हो, क्या कहोगे जो यहाँ आप अनुष्ठान चल रहा है इसके बारे में? देखिए ये तो गोवर्धन धाम मतलब ये वृंदावन धाम है, राधा कुंड है, यहाँ पर तो प्रभु जी की लीला चल रही है। उस लीला में एक पंथ जोक हो गया वो है श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण पादुका। देखिए ये वृंदावन धाम का राधा कुंड धाम का जो महत्व है इस महत्व का जो उद्घाटन चैतन्य महाप्रभु ने किया है और उनका चरण पादुका यहाँ पर आ गए तो ये तो विशेष आकर्षण हो गई। और इसका माध्यम तो है मेरे पास बैठा है वो वर्मा जी, इनके ऊपर राधा रानी का कृपा है और श्री चैतन्य महाप्रभु इनका ऊपर कृपा करके उनका चरण पादुका यहाँ पर बुलाकर लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही आनंद हो रहा है हम लोगों की, ये वृंदावन अमरावती वासी के लिए बहुत ही आनंद का ये मुहूर्त है। यहाँ देखी जाए तो जो पहले जो लीलाएं होती थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त तो दिखाई दे रही है और जो चरण पादुका है जो हमारे ब्रज में पहली बार देखने को मिल रही है इसके पीछे भक्तों में उल्लास का भी विषय बना हुआ है, जो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए ऐसा है कि विलुप्त तो हम लोग तो हमारा जो ये जो आँख है इस आँख से हम लोग देख रहे हैं कि विलुप्त तो हो रहा है, लेकिन ऐसे विलुप्त तो नहीं है। वृंदावन धाम का लीला नवद्वीप धाम का लीला तो लीला तो चल रही है हम लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन ये जो चरण पादुका के आने का जो लीला है ये चैतन्य महाप्रभु का वर्तमान कलि युग में धर्म के ऊपर ये आध्यात्मिक का जो चेतना जागरण करने के लिए ये मनुष्य लोगों के लिए ये कलि का जो जीव है हम लोगों के लिए सनातन धर्मीय अवलंबन कार्य जो है हम सनातनियों के लिए एक विशेष वार्ता है। देखो ये अभी अभी एक समय आ रहा है तुम लोगों को जागृत होना चाहिए, क्योंकि अगर जागृत नहीं होगे तो हमारा लीला अभिव्यक्ति नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा जो सनातनी का जो तुम्हारा जो आदर्श है तुम्हारा जो वैशिष्ट है वो अभिव्यक्त हो जाएंगे। इसीलिए ये चरण पादुका आने का बहुत बहुत महत्व रखते हैं हम लोगों को सनातनी के लिए, जो फिर से जानना होगा श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श है उनका जो प्रेम है ये पूरा जगत में पूरा संसार में सबको देना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि चैतन्य महाप्रभु आप देखिए पूरा हिंदुस्तान में पूरा ये दुनिया में देखिए कितना राजा है वो राज उनका राज छत्र चला है, उनका जो शासन चला है, उनका दांतना उनका जो सेना है चला रहा है, लेकिन सभी को एक साथ नहीं कर पाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म सभी को एक साथ कर लिया है। अगर आप एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, देखिए एक ईंट का मतलब समझते हो तो जिससे इमारत बनाया जाता है तो एक ईंट के ऊपर और एक ईंट आप बिठाइए उसके ऊपर और एक ईंट चपाइए तो ऐसे तो ईंट का तो पाजा होता है, तो इमारत तो थोड़ी बनता है।
लेकिन उसके उसके मिडिल में जब तक सीमेंट नहीं जाता है तो इमारत नहीं बनता है। चैतन्य महाप्रभु का यही एक वैशिष्ट है जी, प्रेम। दुनिया में जितना सारे आदमी रहता है लेकिन उनके बीच में अगर प्रेम नहीं रहेंगे तो समाज नहीं तय होता है। इसीलिए हम लोग ये समझते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, उनका जो आदर्श है, वो प्रेम का आदर्श है। सनातनी लोगों को अभी जागने का समय आ गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम दिया है उस प्रेम को लेकर हम लोग आज इस वृंदावन धाम में चैतन्य महाप्रभु का चरण पादुका लेकर ये हम लोग ये सबको ये वार्ता देना चाहते हैं। ये अभी जागने का समय आ गया है, सनातनियों को जागना चाहिए और महाप्रभु का प्रेम धर्म का प्रचार करना।